हेलो, मैं भी चल रहा हूँ। बस अजीत भाई, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे दोस्तों। इतना ठंडा भर में क्या होता हूँ। अरे भाई आए हैं हमारे, आपके मुजफ्फरनगर से, मुरादाबाद से आए हैं हमारे अजीत भाई। तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं उत्तराखंड के, देवभूमि उत्तराखंड के खगियार गांव में। तो सर बताइए सर। तो ये सर आए हमारे, बहुत अच्छा लगा उत्तराखंड में आके। जैसा कि माही भाई ने बताया, उससे बहुत बेटर है चीज़ें यहाँ की, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी डिस्क्रिप्शन करने में उतना नहीं हो पाता जितना चीज़ें सामने से फेस करो। बाई द वे बहुत सही लगा माही भाई के गांव खगियार में, बहुत अच्छा लगा। देवों की भूमि उत्तराखंड। और बाकी बात हम कल मिलते ना, कल मिलेंगे पदमपुरी। हाँ। दोस्तों टाइम हो गया आपका, 6 बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया ना निकलते वक्त ऑफिस से। तो दादा हमारे आ गए आज, इनका स्वागत है उत्तराखंड के खगियार गांव में। और उस कल वाले ब्लॉग में इसको डाल दूंगा मैं ना। वैसे जिम की जरूरत ना पड़े? ना बिल्कुल जरूरत नहीं सर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिम की। लाइट बंद करवा दूंगा, उजाला कर दिया। तो अजीत भाई कैसा लग रहा है? अभी तो सही लग रहा है, सही लग रहा है ना। आगे की बात बताएंगे तुमको। व्यू अच्छा यार। हाँ हाँ अच्छा सर। हमारे तो फाइनली पहुंच गए हैं घर पर, रुक जाओ यहीं पर। ये वाला भी है, पुराना घर है। ओ भाई साहब, तुम्हें देखा होगा अभी ना, अजीत भाई पहुंचे खग्यार में आज। ऐसे ज्यादा घर देख लो यहाँ, ये पुराना। हाँ बताओ। हाँ नीचे भी हो भी है, मतलब अभी तो शांति देखो तो शांति है भी। हाँ मतलब यहाँ ना बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बैठो, सर का हो गया स्वागत यहाँ पर। सही है ना सर, मजा आ गया ना। सर का स्वागत हो रहा है चाय के साथ, पहाड़ी चाय पिला दी सर। पानी स्टोर करने वाले हैं? हाँ नमस्ते है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? तो बढ़िया होंगे। तो हमारे भाई भी यहाँ पर पहुँच चुके थे कल रात, तो लेट हो गई थी, तो खाना पीना भी हो गया था, सो गए थे। तो आज आपका नेक्स्ट डे है हमारा, तो हम भी उठ गए हैं। मैं तो आराम में 7 बजे उठ गया था, भाई को मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आराम से उठाता हूँ इनको करके। तो चाय भी इनको पिला दी है। और हमारा जो आप यहाँ से प्रस्थान होने वाला है, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं आपका घर से। पहले हम लोग जाएंगे रानीखेत, दिखाऊंगा इनको मैं खेत के बाद हम लोग जाएंगे आपका सीधे पदमपुरी साधु जी के वहाँ। भाई साहब कैसा लगा निधि दाई? तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है, नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं अंदर, चाय हो गई एक बार, तो एक बार चाय और पीते फिर हम निकल रहे सीधे आपका यहाँ से रानीखेत। फिर रानीखेत से निकल देंगे हम वहाँ, फिर इसके बाद रानीखेत से हम लोग जाएंगे सीधे आपका पदमपुरी साधु जी के वहाँ। फिलहाल बाहर दिखाता हूँ नज़ारा आपको। क्या हो गया मामू यार, क्या कर रहा भाई? दोस्तों फाइनली हम लोग हो गए रेडी, हो गए नहा भी लिया है, भाई ने भी नहा लिया। अब निकल रहे हम सीधे रानीखेत के लिए, नाश्ता करते हैं उसके बाद निकलते हैं रानीखेत के लिए। जग्गू भाई मना कर रहे हैं और कंचन आएगा शायद, कंचन कह रहा था जो ड्यूटी को भी जा रहा है मुक्तेश्वर को, तो उनको भी लेके जाते हैं। पहले हम लोग जाएंगे रानीखेत, कुछ काम है, उसके बाद देखते हैं रानीखेत घुमाएंगे इनको, उसके बाद देखते हैं कहाँ हमारा जाने का। और हम लोग रानीखेत रूट से जाएंगे हम, अगर अल्मोड़ा या हम वापस खैरना की ओर आएंगे, बताते। फिलहाल चलते हैं रानीखेत की ओर। मालिक कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। ठीक लग रहा है ना, मजा आ रहा है? बहुत सही लग रहा है। सच में? सच्चा। और बताओ कुछ? और बहुत सही है, डिफरेंट है बहुत, मतलब अलग ही है, पहाड़ी इलाका और मैदानी, मतलब बहुत डिफरेंट है। अच्छा बहुत सही लग रहा है। नाश्ता लगाया फिर? बिल्कुल। अब ऐसे बोलो कि मैं पहाड़ में रहूंगा, बकरी पालूंगा। प्यारी लग रही से सही पुनः।
तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, अब घर से निकल रहे हैं, तो भी वो आएंगे कभी, अगर टाइम मिलेगा दोबारा आएंगे यहाँ पर ना, मतलब ये आपका संडे को आ जाएंगे अगर होगा तो ना, ठीक नहीं है? थोड़ा शर्मा रहे हैं दादी हमारे, अरे याद में अफसर हो यार, शर्मा सर। तो दोस्तों हम लोग हो गए रेडी और निकल रहे हैं आप सीधे, टाइम हो रहा आपका सुबह के 10:30 हो गए हैं, तो हम लोग भी निकल रहे हैं आप सीधे आपके रानीखेत के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे आपका सीधे पदमपुरी के लिए। फिलहाल चलते हैं रानीखेत की ओर, कंचन भाई भी आ रहे हैं, उनका वेट करते हैं रोड पर। धूप मिल गए। तो फाइनल दोस्तों हम लोग निकल, हाँ हाँ इतना पदमपुर जा रहे हो, दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं घर से। हमारे यहाँ कंचू भाई भी जा रहे हैं, कुछ कहोगे माही पाठक ब्लॉग के बारे में कुछ? लाइक सब्सक्राइब चैनल को। पक्का तुम जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। यहीं रुक जाओ, क्या हो रहा है? नहीं यार आज जाना पड़ेगा यार। पक्का 10 दिन हो गए मुझे घर आए हुए ना। चमका के लाए हूँ देख। हाँ कल धो के लाए थे। हाँ देखो अजीत भाई, देखो हाँ वही सेम आगे को फिर नहीं सारे फिर ऊपर को। आज राइड चला रहे हो? वहाँ खींच लेता हूँ, 10-15 मिनट लगते हैं, पूरा हाईवे है ना। तुम भी उधर ही जा रहे हो ना, पदमपुरी से? हाँ मुक्ति सर बताओ। चल यहीं से चलो रानी को घुमा सकूंगो, फिर घुमा लेना जब आओगे, जिस दिन आओगे वहाँ अल्मोड़ा होते हुए ऐसे भीमताल होते हुए नंदताल से सीधे रानी के, रानी के सामने घर में स्टे, वो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से कह रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो प्लान है हमारा चेंज हो गया है, क्योंकि भाई कह रहा है कि मतलब इनको रानीखेत बाद में घुमाएंगे, क्योंकि रानीखेत घूमना ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं रानीखेत में घूमने लायक हैं, क्योंकि एक दिन हम जाएंगे रानीखेत की मार्केट दिखा देंगे, फिर हमें जल्दीबाजी भी है, हम फिर वापस पदमपुर चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, भाई साहब को जो है पहले हम आज आपका सीधे डायरेक्ट जो है पदमपुर ले जाते हैं, उसके बाद क्या होगा एक दिन रानीखेत का पूरा ब्लॉग बनेगा, कल घूमेंगे आपका मुक्तेश्वर, उसका फिर हम लोग घूमेंगे आपका सीधे मुक्तेश्वर से हम जाएंगे सीधे आपका अल्मोड़ा, मेन रोड पर ही है, गांव की रोड पर है, तो यहां से हम लोग जो है आपका रानीखेत नहीं जा रहे, हम लोग जाएंगे आपका सीधे, आप जा रहे सीधे खैरना की ओर। तो दोस्तों सीधा हम लोग आप डिस्कस हो गए यहां पर, हम लोग जा रहे सीधे आप पदमपुरी के लिए निकल रहे हैं, ठीक है रानीखेत हम बाद में जाएंगे। दोस्तों ये है खैरना की नदी, तो भाई साहब ने बोला यार माही नीचे नदी में चलते हैं, मैंने कहा भाई क्यों नहीं यार, तो इसलिए इनको मैं नदी पर लेके जा रहा हूँ। ये हमारी रोड रानीखेत वाली रोड है, भाई का मन भाई दूर से देख रहा था कि यार चलो नदी पर, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आए हो तो यार घूमो, दिल खोल के घूमो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। कहाँ चले नहाओगे? नहाओ, इनको नहलाते हैं आज नदी में। हम आगे चलेंगे, बाइक भी ले आते हैं यार, फिर हेलमेट भी है ना भाई साहब, पूरा रहता है मतलब बाइक ऐसे रिपट रही ना, मतलब स्लिप मारी गाड़ी पूरी, तो इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ले आया इसको, क्योंकि वहाँ रखना ठीक नहीं है, सेफ नहीं गाड़ी,
इसलिए मैं इसको यहाँ पर नदी के पास ही लिया है। इससे आगे से नदी है पूरा, मतलब ना पूरा रहता ही रहता है, पूरी बजरी बजरी है। इससे आगे बाइक नहीं आएगी, और ऐसे गाड़ी मतलब बड़ी मुश्किल से लाया मैं भस्त्री पूरी। तो फिलहाल भाई जो है मज़े ले रहे हैं यहाँ पर, जब मेरे पैर फिसल रहे हैं तो बाइक तो बाइक ही है भाई। ओहो भाई साहब आज कहाँ आ गए, प्यारी जगह है, व्यू देखने लायक है, बहुत ही प्यारी जगह है, व्यू देखने लायक है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मतलब मैं यही घर बना लूँ, यही रह लूँ मैं। वहाँ की दौड़ भाग सब बहुत अच्छी है लाइफ, मतलब यहाँ स्ट्रगल तो है कह सकते हैं, स्ट्रगल है काफी, लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है और बहुत ही प्यारी आवाज आ रही है। सुनो बैठ के सुनो, मतलब ऐसा है कि यार पीस ऑफ माइंड। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने थोड़ा इंजॉय कर लिया है, भाई को घुमा दिया है, भाई ने अपने पैर जो है पानी में डाल दिए और ठंडा इतना हो रहा भाई को, क्या बताऊँ मैं, ठीक रहा ना, ठंडा हो रहा पानी। लेकिन आप निकलते सीधे आपका पदमपुरी को निकलते हैं, क्योंकि टाइम भी जो है आपका 12:30 हो चुका है, और निकलते हैं हम सीधे आपका पदमपुरी के लिए। आपको ऐसे नज़ारे हम दिखाते रहेंगे और बने रहिए आप माही पहाड़ी ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको, भाई को यहाँ घुमा दिया। मेरी बस की तो ना है, भाई साहब चला रहे भाई का, हवा कम है क्या? पूरा पैर बैठ गया हमारा। फाइनली दोस्तों बड़ी मुश्किल से निकल गई बाइक, ले गया भाई, बहुत टफ हो गया, बहुत मुश्किल बात निकल गई बाइक, बिना ट्रैक्टर के हमने बाइक निकाल दी, बिना ट्रैक्टर के निकाल दी, वरना जरूरत पड़ती है ट्रैक्टर की। आ जाओ तो फाइनली बाइक निकल चुकी है।
दोस्तों हम लोग कैंची धाम पहुंचने वाले हैं, दर्शन भी कराते हैं आपको भी हम, ठीक है, दर्शन आपको भी कराते हैं और हम लोग कैंची धाम पहुंचने वाले हैं। ऐसे नहीं अजीत भाई जा रहे दर्शन करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आपके कैंची धाम। तो अजीत भाई गए हैं बाबा नीमकुरू जी के दर्शन करने के लिए। मैं थोड़ा तो सामान की रखवाली कर रहा था, सामान बहुत ज्यादा है ना, पार्किंग की बहुत दिक्कत है यहाँ पर, तो ऐसी बाइक लगा रखी है यहाँ पर ही। नीम करोली महाराज की जय, बाबा नीम करोली महाराज की जय। क्या ले रहे हो? पतला है यार मतलब। तो साधु जी के लिए हम यहाँ पर आपके रसमलाई और पनीर ले लिए हैं, दूध वहाँ पर है कह रहा है, तो पनीर और रसमलाई यहाँ से साधु जी के लिए ले लिया हमने। साधु जी खाएंगे आज रसमलाई। दोस्तों हम लोग पहुंच गए कन्नू भाई की दुकान में, हमने कहा है लंच हम जो है आपके कन्नू भाई की दुकान में करेंगे। तो भवाली में है अभी हम लोग, तो यहाँ पर हम लंच कर रहे हैं ना, थुप्पा और घूमना खा रहे हैं यहाँ पर। तो भाई को भी यहाँ पर पहाड़ी स्टाइल में पहली बार ना, वैसे यहाँ पर ना आते रहते हैं वैसे, तो थुप्पा तैयार है। कन्नू भाई ने यार कन्नू भाई पैसे नहीं लेते, लेकिन ये पैसे दे के रहेंगे आज कुछ बजाय, ठीक है। दुकानदारी है यार, दुकानदारी कैसा लगता है। ये देखो हाँ दादी कैसे हो, ठीक है। ते घर कहाँ से को? ते घर कहाँ से? कहाँ? तू कहाँ से? मुरादाबाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है बाल भी काट लिए, सेविंग कर लिए, भाई ने भी कर लिए, और कन्नू भाई ना जाने देर कह रहे चाय पी को जाओगे, चाय पी को जाओगे, तो कन्नू भाई बना रहे चाय। तो फिलहाल अभी हम भवाली में ही हैं, चार बज चुके हैं, निकलेंगे आप से पदमपुरी के लिए। तो दोस्तों यहाँ से राइड कर रहे हैं हमारे आपके अजीत भाई, राइड कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। मैंने कहा वीडियो में बनाऊंगा, कह रहे सर मैं राइड करने के लिए दो। तो यहाँ से हमारे अजीत भाई राइड कर रहे हैं पदमपुरी के लिए, अभी जगह का नाम है चापी, और यहाँ से पदमपुरी 11 किलोमीटर और रह गया है। तो फिलहाल अभी हम हैं आपके चापी में, तो निकल रहे हैं पदमपुरी की ओर, राइड कर रहे हैं यहाँ से, चापी से राइड कर रहे हैं हमारे दादा अजीत पाल जी, ठीक है। Yeah.
गलत है ना, तो दोस्तों यहाँ है। तो दोस्तों यहाँ से रह गया पदमपुरी मात्र 3 किलोमीटर रह गया। तो भाई को थोड़ा मैंने जंगल भी घुमा दिया है, थोड़ा ट्रैक करा दिया इनको। तो हम निकल रहे हैं सीधे पदमपुरी की ओर। और साधु जी कह रहे हैं टमाटर भी नहीं यहाँ पर, तो टमाटर लेने पड़ेंगे रास्ते से हमें, क्योंकि बाजार नहीं यहाँ पर। तो निकल रहे हैं सीधे हम पदमपुरी की ओर। तो सीधे मिलाते हैं आपको, सीधे साधु जी से मिलाते हैं आपको, ठीक है? ये फोन आ रहा है। तो दोस्तों अब आपको हम सीधे मिलाते हैं साधु जी से, मिलाते हैं आपको। तो बन रही आप माही पहाड़ी ब्लॉग में, जल्द ही मिलोगे आप साधु जी से, ठीक है? चलते सीधे पदमपुरी की ओर। हमें देखते हैं, चलो तो नहीं। हाँ ठीक ठीक ठीक। साधु भाई ताजी नमस्कार। ये कौन है भाई? भाई 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 ध्यान से। हाँ चलो लगाओ लगाओ गाड़ी लगाओ, आओ फिर रहेंगे के साथ लगाओ। आप जो अन्ना में पधारे। ठंडा इधर क्या हो रहा है? देखो यूपी वाला होंडा गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं साधु जी के पास। ठंडा बहुत रहा भाई साहब, भगवान बहुत ठंडा है भाई साहब, बहुत ठंडा है। अभी तो शाम को देखो अभी होता है क्या, अभी शाम को हो गया ठंडा। क्या है व्यवस्था? टमाटर आ गए, पदमपुरी तक घूमने के लिए जाएंगे। टमाटर टमाटर लेने के लिए आएंगे ना। अरे यार ठंडा कितना करा होगा यार। चलो मैं पागल ना पूछ के आता हूं, पहले चाय पियेंगे। टमाटर पुल टमाटर पुलो टमाटर है शायद, फिर जाएंगे वरना तो लग जाओ। अरे ये गले लगाओ यार, इसको भी गले लगाओ। चलो तो भाई साहब साधु जी को हम आते हैं यहीं अभी। चल तुम्हारे इंतजार में लगाया आज वो दादा। दोस्तों पहुंच गए हैं फाइनली। कौन सा रूम खुलवा रहे हो आज? दो बेडरूम अपने हैं, जहाँ खुलते हैं वहाँ किचन है, वहाँ रह लेंगे। अच्छा चलो सर एंट्री करो। चलो चलो जूते रहने दो यार तुम। चलो ये है साधु जी का रूम, देख रहे हो? बीएम मैनेजर साहब। अब मेरे को पनीर चाहिए मही, चलो नीचे। तो अखिल भाई बना रहे रोटी। अखिल ना जी अजीत दादी। हाँ भाई रोटी सीधी बननी चाहिए आज, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हेलो अजीत दा बना रहे रोटी। हो गया